यदि भाव भावों में सुंदरता नहीं है तो कला पक्ष कितना भी सुंदर है उसका कोई भी मूल्य नहीं है। एक उदाहरण देते हैं, जैसे तानसेन जी थे और वो इस युग के बहुत बड़े गायक हुए और उनके तान के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा ने अच्छा हुआ शेषनाग को कान नहीं दिए, नहीं तो उनका मस्तक हिलता, पृथ्वी डोलती इसे और तानसेन की तान से। भले भई विधि ना दिए शेषनाग को कान और भूमंडल सब डोल तो तानसेन की तान। तो अतिशयोक्ति है, परंतु फिर भी बहुत बड़े गायक हुए और वे यहाँ पर आए ब्रजभूमि में, क्योंकि यहाँ वो आते जाते थे, श्री विट्ठलनाथ जी की कृपा पात्रों में भी थे वे। तो जिस समय वो संगीत के लिए आए यहाँ पर और उन्होंने सुना कि नंददास जी बहुत अच्छा गाते हैं, और नंददास जी बहुत अच्छा गाते थे, बड़े अच्छे गायक थे, इनके संगीत को ठाकुर जी श्री जी सुनते थे और यहाँ तक आया है कि श्याम सुंदर भी इनके साथ बैठ के गाते थे, सखा थे। गोकुल में एक टीला है, वहां बैठ करके दोनों मित्र तान भरते थे, नंददास जी और श्री गोकुलनाथ जी। तो तानसेन भी आए और उन्होंने यहां आकर के दर्शन किया श्रीनाथ जी का, और गोसाई जी से दंडवत प्रणाम करने के बाद गोसाई जी ने उनके मन की बात जान लिया और स्वयं बोले कि अच्छा तानसेन जी कुछ सुनाओ तुम श्रीनाथ जी के लिए। विश्व के प्रसिद्ध गायक थे, तानपुरा उठाया और गाने लग गए, बहुत सुंदर गान था। और उस गाने के बाद में गोसाई जी की ओर से यानी श्रीनाथ जी के प्रसादी गई एक थाल जिसमें सोने की मुद्राएं, ठाकुर जी का प्रसादी पटका, प्रसादी और सोने की जो मुद्राएं थी, मोहरें थी, उनके ऊपर एक कानी कौड़ी रखी हुई थी। तो वो अधिकारी जी ले गए, बोले आपके लिए प्रसाद है। तो तानसेन जी ने झोरी प्रसार करके श्रीनाथ जी का गोवर्धन धन का प्रसाद है लिया, पटका लिया, प्रसाद लिया और सोने की वो जो मुद्राओं से अशर्फियों से थाल था उसको भी लिया। लेने के बाद उस थाल के ऊपर कानी कौड़ी एक रखी थी। तो उन्होंने कहा कि विचार किया कि ये तो ऐसा क्या है, इसमें कोई रहस्य होना चाहिए, क्योंकि जानबूझकर तो ही रखी गई है सबके बीच में ऊपर, अगर कहीं से कोई गिर नहीं सकती है, क्योंकि भीतर से आ रही, भीतर कौड़ी कौन जाएगी, कानी कौड़ी का क्या काम। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर कहीं से गिरी होती तो इधर उधर गिरती, ये बीचों बीच में सजा के रखी है सबके सिर पर। तो उन्होंने वो देखते रहे, बड़ी सभ्यता थी उस समय, सब लोग आचार्य गोसाई जी को कृष्ण रूप मानते थे और सभी आचार्य भगवत स्वरूप ही हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं समझना चाहिए। तो गुसाई जी ने कहा कि तानसेन जी आप क्या विचार कर रहे हो, आप क्या कुछ पूछना चाहते हो क्या? उन्होंने कहा जय जय हम ये पूछना चाहें कि जो प्रसादी पटका है, प्रसाद है और ये सब स्वर्ण मुद्रा भी है, अभी तो आपकी कृपा है आप हमें दे रहे हो ठीक है, लेकिन हम ये काली कौड़ी को रहस्य हम नहीं समझ पाए, क्योंकि कोई न कोई तो बात ही है। वो हंस गए गोसाई जी और बोले देखो तानसेन जी, गवैया या कला की दृष्टि से तो तुम्हारी कोई कीमत ही नहीं है, और सोने के थाल में सोने की जो अशर्फियां दी गई ये भी कम है, तो कला की दृष्टि से तो तुम्हें ये भेंट दी गई, लेकिन कानी कौड़ी इस दृष्टि से दी गई कि ये भाव पक्ष की दृष्टि से जो कल हमने विषय रखा था कि कला पक्ष और भाव पक्ष दो होते हैं, भाव पक्ष की दृष्टि से तुमको कानी कौड़ी, क्यों कि इतनी बड़ी कला और तुम्हें दुनिया के बादशाह अकबर के लिए सुनाते हो, इसीलिए जो वस्तु संसार के लिए है उसकी कीमत कानी कौड़ी है, जो वस्तु प्रभु के लिए है वो ही अनंत है, वही अमूल्य है। कैसी अच्छी शिक्षा दिया उन्होंने, संसार के लिए जो भी कार्य आदमी करता है एक बहुत बड़ी शिक्षा है इसमें। लोग संसार के लिए कर्म करें, 10 पैसा भी किसी को खर्च करना है तो वहां खर्च करना चाहता है जहां दुनिया के लोग जाने, 10 रुपए भी आदमी भेंट करता है तो दिखा करके कि दुनिया देखे, पत्थर में नाम खुदवाता है कि ये कमरा हमने बनवाया है, फूल बंगला बनता है तो उसमें नाम खोदा जाता है कि फलाने कौड़ीमल सेठ की ओर से आज बंगला हुआ 2 लाख रुपए का, और वो ये कृष्ण के लिए नहीं है। जो वस्तु केवल भगवान के लिए है कोई नहीं जाने, केवल प्रभु जाने, वो सच्ची सेवा है। जहां प्रदर्शन है, दिखावा है, ढोंग है, जीवाश्रय है और मैं को लेकर के जो चीज की जा रही है मैं कर रहा हूं, वो सेवा भगवान स्वीकार नहीं करते, क्यों भगवान के लिए है ही नहीं, स्वीकार क्या करेंगे, प्रभु अन्याय थोड़ी करते हैं। हम लोग तो वेश्या वाला धंधा करते हैं, वेश्या बड़ा अच्छा गाती है लेकिन दुनिया भड़ुओं को दिखाने के लिए, वैसे ही हम लोग अपनी अहंता के लिए अपने मान बढ़ाई के लिए करते हैं, तो वो सेवा भगवान के लिए थोड़ी भई है। हम वाह वाह चाहते हैं, हम तारीफ चाहते हैं, हम अपना यश चाहते हैं, अपना नाम चाहते हैं, ये सब की कीमत क्या है, 1 कौड़ी, ज्यादा नहीं है, चाहे वो अरबों रुपया है, लेकिन प्रभु के लिए नहीं है, नाम के लिए है, अपनी अहंता मान बढ़ाई के लिए है, तो उसकी कीमत 1 कौड़ी है। और बोले कौड़ी भी नहीं है, कानी कौड़ी फूटी कौड़ी थी। अब कितनी बड़ी शिक्षा मिली, भैया अपने तो जितना काम करते हैं फूटी कौड़ी का, बस फूटी कौड़ी से भी नीचे का काम रहता है अपना, क्यों बड़ाई की भावना रहती है, लोग जाने ये भावना रहती है, बलप्पन की भावना रहती है, तो उसकी कीमत साईं के दरबार में तो है नहीं, प्रभु के दरबार में तो है नहीं। और हाँ दुनिया में चलता है भूत विद्या मल रही 12 वर्ष चल रही, वो थोड़ी दिन चल जाती है गाड़ी, लेकिन अंत में परिणाम अच्छा नहीं रहता। कृपा करो राधा,
रानी कृपा करो।